ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। जैसे कि गाइस आपने देखा होगा थंबनेल में, मैंने आपको बताया, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूं इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो आप लोगों को अगर ना आप लोगों को वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना है एंड जो भी स्टॉक वगैरह होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर लेना या फिर आप मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मैं दोनों जगह आपको बैकग्राउंड पेजेस दे दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना एंड आप लोगों को जो है वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको एकदम सेम टू सेम देखना है एंड पहले उसके बाद समझना है, फिर जाकर एडिटिंग करने जाना है। ठीक है, पहले आपको देख के समझ लेना है एंड देन उसके बाद एडिटिंग करना है। अब गाइस देखिए वीडियो को लाइक कर देना आप, तो ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले तो आप लोग इस टाइप से अपनी फोटो को जो है क्लिक करवा लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पोज है उसका आपको सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैं बैकग्राउंड दूंगा ना उसमें आपको ये हेल्प करेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, आपको देखिए ये हमारा बैकग्राउंड, आपको इसमें करना है कि आपको ऐड फोटो में जाना है एंड यहाँ से आपको अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। ठीक है, जब आप मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मतलब कि जो रियल फोटो थी उसमें जो है मतलब कि जो एक्टर था उसका हैंड है इसमें अभी भी पहले से ही। ठीक है, तो ये जो फोटो अभी एडिट हुई थी इससे पहले वाली जो मतलब हिम्मत भाई ने एडिट करी थी उसमें भी उन्होंने उसी का हाथ रखा था, अपना नहीं ऐड किया था, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे वॉच है उस वाले हैंड में और इस वाले हैंड में वॉच नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ से जो है मतलब जो हैंड है जहाँ तक आपको वहाँ तक अपने मॉडल का जो है साइज़ कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी कम करके चेक कर लेना वो यहाँ पे परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आपको करना है कि आपको रिजर टूल में जाना है, यहाँ से इन्वर्ट कर देना है एंड ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद गाइस देखिए यहाँ से हैंड के ऊपर ऊपर से इस तरीके से आपको पेंट कर देना है। ठीक है, अगर गाइस देखिए शर्ट का कलर अगर मैच नहीं होता है तो आप लोगों को क्या करना, आपको हैंड को जो है थोड़ा नीचे की साइड में ले आना है और जो मतलब कि सिंपली जहाँ तक मतलब शर्ट नहीं दिख रही है वहाँ तक आपको हैंड रख लेना अपना। ठीक है, तो यहाँ तक इतना कर लेने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी जो एरिया है वो मतलब जो मतलब कि जो एक्ट्रेस है उसके हैंड के ऊपर ना आए। ठीक है, आराम आराम से एकदम टाइम के साथ करना। ठीक है, और जल्दबाजी में फ़ोटो को एडिट मत करना और एडिट करने के बाद जब आप टैग करते हो मेरे को तो मैं यही चीज़ें देखता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई आपने उसको फॉलो किया है या नहीं किया, या फिर आपने डायरेक्टली बैकग्राउंड को डाउनलोड करके अपनी फ़ोटो मर्जी से एडिट करके आपने मेरे को टैग कर दिया, तो ये सब मत किया करो। आप लोग पहले वीडियोस को देखे करो अच्छे से। ठीक है, मैंने क्या बताया, क्योंकि क्या होता है कि हर वीडियो में ना मैं कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बताता हूँ जिससे कि मतलब ये होता है कि आपकी एडिटिंग में मतलब कुछ ना कुछ टिप ऐसा मिल जाता है कि जिससे आपकी एडिटिंग में थोड़ा सा सुधार आता है। तो वही मैं आपको हर बार कहता हूँ कि फ़ोटोज़ को एडिट करने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस किया करो। एक फ़ोटो को एडिट करके उसका फाइनल रिजल्ट नहीं निकलता, कम से कम फोटो को एक दो या तीन बार ही एडिट करो तब जाके जो है वो फ़ोटो का कोई फाइनल रिजल्ट निकलता है, समझ रहे हो? क्योंकि मैं भी जब वीडियोस बनाता हूँ पहले इसके लॉन्ग वीडियोस जो मैं जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ पहले ये वीडियो बनाता हूँ, इसमें एक फ़ोटो एडिट करता हूँ मैं, फिर उसका शॉर्ट्स के लिए अलग एक फ़ोटो एडिट करता हूँ मैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी जो है क्या करेंगे, आप जब मॉडल को लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे एडजस्ट में जाके पहले इसका क्लियरिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियरिटी इसलिए क्योंकि जो साइड में जो दूसरा मॉडल है उसकी तरह जो है हमारा स्किन भी हो जाए। फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको भी बढ़ाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ाएंगे और फिर इसके बाद करेंगे सैचुरेशन में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन भी थोड़ा सा बढ़ाना है हमें, और बाकी सैचुरेशन थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लाइटों में उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब हाइलाइट्स में जो है हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम ही रखना। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर डन कर लेना फ़ोटो को, अभी यहाँ पर डन नहीं करना पूरा, यहाँ पर ऐड फोटो में जाके एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना जिससे हम जो यहाँ पर शेडो बनाएंगे, इसको हम ऐड कर लेते हैं एंड इसको साइज़ इस तरीके से रख लेंगे एंड इसको मूव डाउन कर देंगे, रेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश टूल का साइज़ इंक्रीज कर देंगे एंड फोटो को जूम करेंगे एंड इस तरीके से जो हम शेडो क्रिएट करेंगे। आपका ये तो थोड़ा रफ तरीका है शेडो बनाने का, क्योंकि इसमें क्या है कि वीडियो में आपका मैं टाइम बचाना चाहता हूँ इसलिए मैं थोड़ा रफ तरीका यूज़ करता हूँ। अगर आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से शेडो बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आपको उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपको मैं समझ आ जाएगा उसमें कि शेडोज़ जो है हम किस तरीके से बना सकते हैं प्रोफेशनल टाइप की। तो अब हम इसको यहाँ पे डन कर लेते हैं। अब इतना हो जाने के बाद गाइस देखें यहाँ पे जो हमारा पिक्सआर्ट का काम खत्म होता है, अब इसको लेके चलता है लाइट रूम ऐप में, तो इसको हम सेव कर लेंगे एंड यहाँ पे लाइट रूम ऐप को ओपन करते हैं एंड लाइट रूम ऐप में जाने के बाद क्या करेंगे, हम लाइट में जाएंगे, लाइट में जाने के बाद हम जो है इसका कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे और जो यहाँ पे हाइलाइट्स हैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे एंड जो वाइट है इसको भी बढ़ा देंगे एंड शेडो को भी बढ़ा देंगे एंड ब्लैक्स को कम कर देंगे। फिर जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड मिक्स में जाएंगे ऑरेंज कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे और फिर क्या करेंगे यहाँ से जो है ब्लू येलो कलर ले लेते हैं। येलो कलर का कोई काम नहीं है अभी यहाँ पे, हम ब्लू कलर में चलते हैं, सैचुरेशन कम करेंगे और ल्यूमिनस भी कम कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम फोटो को डन कर देंगे एंड नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके इफेक्ट वाले ऑप्शन में
फिर यहाँ से फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे एंड जो विग्नेट है वो तो अपने हिसाब से आप डाल देना। फिर फीडर को इंक्रीज कर देंगे, नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो को शार्पनेस बढ़ा देंगे ताकि जो फोटो जो एकदम एच डी क्वालिटी में हो जाए एंड नॉइज़ वगैरह रिमूव कर देंगे इसकी। तो फाइनली हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।